भक्ति कैसे लाभ होता है? प्रभुपाद कह रहे हैं भक्त संग में भक्ति लाभ होता है, बिना भक्त संग भक्ति लाभ होता नहीं, यही तरीका है। दूसरा कोई तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका से भक्ति लाभ होता नहीं। कृष्ण प्राप्ति ही जीवों का सर्वश्रेष्ठ मंगल है। कृष्ण प्राप्ति जीवों का लिए सर्वापेक्षा मंगलदायक है। अहो भाग्यों से ये लाभ होता है, अहो भाग्यों से, बड़ा भाग्य से ये लाभ होता है। ब्रह्मांड भ्रमण का जो नशा है, ब्रह्मांड भ्रमण करने का जो नशा है जीवों का अंदर में, जीवों ब्रह्मांड भ्रमण का जो वासना नशा खत्म होने से जीव है, जीव भाग्यवान होता है। ब्रह्मांड भ्रमण का वासना खत्म होने से, ब्रह्मांड भ्रमण करने का वासना क्षम खत्म होने से जीव भाग्यवान होता है। गुरु जी का अनुग्रह, गुरु जी का अनुग्रह का बल पर, गुरु जी का अनुग्रह का बल पर आत्मधर्मो प्रकाशित होने से जीव भक्ति बीज लाभ करता है। क्या बोला? श्री गुरु का अनुग्रह का बल पर आत्मधर्मो प्रकाशित होने से जीव भक्ति बीज लाभ करता है। श्री गुरु कृपा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा अलग नहीं है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भाग्यवान, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भाग्यवान। सो गुरु कृपा और कृष्ण कृपा अलग नहीं है, गुरु कृपा और कृष्ण कृपा अलग नहीं, एक ही है। प्रसाद, गुरु प्रसाद मतलब जो प्रकृष्ट रूप में आनंदित होकर दिया जाता है, गुरु प्रसन्न होकर आनंदित होकर जो दिया जाता है इसका नाम है प्रसाद, यही अनुग्रह। इसीलिए श्रीमान महाप्रभु जी ने बताए, ब्रह्मांड भूमि ते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। महाप्रभु जी ने खुद बताए, महाप्रभु जी ने खुद बताए ब्रह्मांड भूमि ते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अपने को दास सेवक, अपने को दास अर्थात सेवक समझकर प्रभु का सेवा करना ही भक्ति है। प्रभु से कुछ मांगना भक्ति नहीं है। अपने को दास समझकर, भृत्य समझकर प्रभु का सेवा करना ही भक्ति है। भक्ति क्या चीज है? ना हमारा सेव्य वस्तु का सेवा का, सेव्य वस्तु का सुख विधान। भक्ति मतलब प्रभु का सुख विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा। अपना सुख के लिए प्रभु सेवा कदापि
भक्ति पदवाच्य नहीं है। अपना सुख के लिए, अपना सुख सुविधा के लिए, अपना सुख के लिए, अपना सुख के लिए प्रभु का सेवा कदापि भक्ति पदवाच्य नहीं है। इसको कभी भक्ति नहीं बोला जाए। गुरु का पास ये भक्ति बीज लाभ होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भय भक्ति रत, गुरु का पास से ये भक्ति बीज लाभ होता है। और फिर माली होकर ये बीज हृदय में रोपण करके इसमें श्रवण कीर्तन पानी सेचन करते करते रहे, यही उचित है। बागान का माली अगर है, मालिक का ये कर्तव्य है, श्रवण कीर्तन जले सेचन करना जरूरी है। मैं सेवक हूँ, मेरा सेवन धर्म और वक़्त होनी चाहिए, ये विचार में प्रतिष्ठित तो होना ही माली होना। मालिक का काम है ये बगीचे, मालिक का काम है ये बगीचे मेरा पास दिया गया, इसका ख्याल रखना सब मेरा काम है। ये माली हूँ मैं, मेरा ये बगीचे का देखभाली मेरा ऊपर है, सब देखना पड़ेगा। सो गुरु का पास से भक्ति लता बीज मिलता है, उसके बाद माली होकर ये बीज हृदय खेत में रोपण करके सुवन कीर्तन जल, मैं सेवक हूँ, मेरा सेवन धर्म ये विचार में प्रतिष्ठित तो होना ही माली होना, माने बागान का जो देखभाल करता है माली। भक्ति लता का बीज जो गुरु का पास प्राप्त तो हुआ है, भक्तिलता बीज, ये भक्तिलता बीज, ये भक्तिलता बीज जो गुरुजी का पास जो मिला है, यो अहेतु की कृपा, जो यो अहेतु की कृपा परवश हो कि कृष्णो स्वयं ही गुरु का रूप में प्रदान क्रिया है, स्वयं ही गुरु का रूप धारण करके दिया है, हमको प्रदान किया है। उसी बीज प्राप्त होने के बाद मैं कृष्ण सेवा छोड़कर और कुछ नहीं करने वाला, ये उचित नहीं है। फिर भी अगर मैं उदासीन हूँ सेवा में, अगर मैं उदासीन हूँ सेवा में, तो हमारा मुसीबत ही मुसीबत चारों। अगर मैं ये सेवा में उदासीन रहता हूँ तब तो कहने क्या है, तो असुविधा हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। श्री गुरुपाद पद्म का कृपा का आधार पर भजन का जितना सारे रुकावटी हैं, समस्याएं हैं, जितना सारे रुकावट है हमारा भजन के रास्ते में, ये सारे अवश्य ही अपसारित हट जाएगा। गुरुपाद पद्म का कृपा का बल पर भजन का रास्ते में जितना सारे बाधाएं हैं, ये अवश्य अपसारित हो जाएगा। सो भजन का जितना सारे बाधाएं हैं, सो भजन का रास्ते में जितना सारे बाधाएं हैं, वो सब बाधाएं हट जाने से भजन का बाधा हट जाने से मेरा सुविधा होगी, सुविधा होगी।
गुरुपाद पद्मों का मुखारविंद से गुरुपाद पद्मों का मुखारविंद से तथा साधु गणों का पास शोभन होता है। श्री गुरु मुखारविंद से अथवा साधु गणों का मुखारविंद से शोभन होता है। साधु गुरु का निर्देश का मुताबिक पाठ आदि कार्यों और श्रवण गुरुपाद पद्मों का आदेश लेकर गुरुपाद पद्मों का निर्देश का मुताबिक हमारा नित्य श्रद्धाय अध्याय सब करना ये कार्य भी श्रवण का अंतर्गत है। गुरुपाद पद्मों से जब मैं एक बाल बाल विच्युत हो जाए, श्री गुरुपाद पद्मों से बाल बाल के लिए थोड़ा विच्युत हो जाए, तन सारे समस्याएं मेरे को घेर लेंगे। असुविधा समस्या अनिवार्य। गुरुपाद पद्मों से जरा सा भी हट जाए, विच्युत हो जाए, तरह तरह का समस्याएं ये आएगा ही आएगा। श्रवण कीर्तन पानी के साथ तुलना किया गया। सेचनकारी गुरुपाद पद्म आश्रित व्यक्ति और विश्वम्भ के साथ, विश्वम्भ मतलब भाई शून्य, जिसमें ममत्व भाव है, अपना भाव है, अपनापन है, ये विश्वम्भ के साथ हर वक्त श्री गुरुपाद पद्म का सेवन करना एकमात्र कर्तव्य है, कृत्य कर्तव्य। साधु गुरु का संग में रहना अच्छा है, साधु गुरु का संग करना ये कर्तव्य है, उचित है। भक्ति लता को सजत्न में वेरी केयरफुली भक्ति लता को बहुत जतन के साथ पालन करना उचित है, बड़ा डेलिकेट है, बस इसको सही ढंग से पालन करना उचित है, सो सुष्ठु रूप में वेरी परफेक्ट वे भगवान का सेवा करना जरूरी है। यही विचार से विच्युत होने से, यही विचार से थोड़ा हटने से दुनिया भर का समस्या मेरे को घेर लेंगे, काल जो श्लोक चर्चा करने का समय बताया था, कौन सी 33 नंबर, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनंच वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वेदों में भी पूरा वेद छानबीन करने से अगर भगवान का कोई खबर नहीं मिला, क्लू, तब तो मेरा वेद पाठ बेकार है। वेदस्य सर्वै रहवेव विद्धो, वेद मेरे को दिखा देता है, इंडिकेशन कर देता है। देखो, वेदस्य सर्वै रहवेव विद्धो,
और जो भगवान वेद छानबीन करने पाठ करने से कि अगम्य मिलता नहीं भगवान, वेद वेदों का भी अगम्य है, वेदों का भी अगम्य है, किंतु शुद्ध आत्मभक्ति के द्वारा ये आदि पुरुष गोविंद को प्राप्त कर सकता है। वेदों का अगम्य है किंतु शुद्ध आत्मभक्ति के द्वारा लभ्य लाभ होता है, वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप आद्यो पुराण पुरुष हो के भी सर्वदा नवजो बनंत। इसका बारे में मैं चर्चा किया बहुत सारे। ये जो काल और आज जो चर्चा किया, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वित्तमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मयो सदुज्जल विग्रहस्य गोविन्दो आदि पुरुषं त्वमहं भजे, अथवा ये जो श्लोक पाठ किया हमने काल भी, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद। और आगे का भी श्लोक, तीन चार श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी महाराज अप्राकृत और प्राकृत विषय का क्या विशेष फेर है, अप्राकृत और प्राकृत विषय में कितना सारे विशेष है, ये समझाने का कोशिश किया है। भगवान अद्वैतो अच्युतो अनादि अनंत रूप आद्यो पुराण पुरुष होके भी हर वक्त नवजौवन संपन्न, भगवान अखंड तत्व है। अच्युतो अर्थात सांस रूप में कोटि कोटि अवतार भगवान से निकालने से भी भगवान का पूर्णता का कोई हानि नहीं है। भगवान से करोड़ों करोड़ों अवतार निकालने से भी, सांस अवतार कोटि करोड़ों करोड़ों अवतार निकालने से भी भगवान पूर्ण ही रहता है, और अनगिनत अभिन्न विभिन्नांश रूप, अनगिनत विभिन्नांश रूप, अनगिनत विभिन्नांश रूप अनंत कोटि जीव भगवान से आए हुए हैं, फिर भी भगवान परम पूर्ण वस्तु, फिर भी भगवान परम पूर्ण वस्तु, फिर भी भगवान पूर्ण परम पूर्ण, क्योंकि पूर्ण जगत का एक धूलिकण भी पूर्ण है, पूर्ण जगत का एक धूलिकण भी पूर्ण है, इसमें कोई अभाव नहीं हो सकता। सो पूर्णस्य पूर्णमादयो पूर्णमेव अवशिष्यते, परिपूर्ण भगवान, जन्मादि लीला प्रकट करने का बावजूद वो अनादि रहता है। भगवान अनंत होने का बावजूद प्रकट विहार में मानव लीला करने का समय एक पूरा मानव जैसा, भगवान अनादि निधनम प्रभु सनातन पुरुष है, इसके पीछे और कोई नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम
सर्व कारण कारणम यही है। ती सनातन पुरुष इतना प्राचीन है फिर भी नित्यो नवजौवन नवजौवनाढ्य नव है नित्यो नवजौवनाढ्य देखने में लगता है 16 साल का एक किशोर। सो भगवान में ये जो विरोधी गुणावली एक दूसरे का खिलाफ है, भगवान अजेय है अनादि है फिर भी भगवान भक्तों के द्वारा जीतो होता है हर जाता है, भगवान सनातन है फिर भी भगवान जन्म लेते हैं है? भगवान अनंत रूपी हैं फिर भी मध्यम आकार मनुष्य शरीर पकड़ कर हमारे सामने प्रकट विहार करता है, नित्य स्वरूप है श्याम सुंदर। ये सारे कंट्राडिक्टरी जो पॉइंट्स है, सारे विरुद्ध गुणावली, ये तमाम विरुद्ध गुणावली भगवान में परिपूर्ण रूप में सामंजस्य एडजस्टेड हो जाता है। ये जो विरुद्ध गुणावली, ये जो इतना विरुद्ध गुणावली सारे भगवान में संपूर्ण रूप में एडजस्टेड हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है। ये बड़ा अलौकिक चीज है। इसमें हमने बताया इस जगत में टाइम स्पेस मैटर एक दूसरे का इंटर रिलेटेड, लेकिन अपरागिक जगत में ये जगत का कोई समय काल पात्रो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान भगवान नवजौवन संपन्न ये माया जगत में देश काल और पात्रों का व्यवधान है, हेयत्व है, लेकिन भूत भविष्यत वर्तमान भूत भविष्य शून्य शुद्ध वर्तमान काल चिद्धाम में नित्य विराजित है। वहां धर्म धर्मी भेद कुछ नहीं है। उसमें कुछ भेद नहीं है, अपरा के जगत में कुछ भेदभाव नहीं है। तो जो सब धर्म सो जो सब धर्म जड़ जगत में माइक देश काल का दारा कालाव छिन्न बुद्धि ते विरुद्ध बोल के बोध होता है, अविरुद्ध भावे चित जगत में उपादेय रूपे वर्तमान, ये अभूतपूर्व सत्या जीव कैसे अनुभव कर सकता है। जीवों का माइक ज्ञान वृत्ति हर वक्त देश काल आदि दोष के द्वारा दूषित होकर माइक भाव परित्याग करने में असमर्थ है। यहां इस जगत का ज्ञान वृत्ति, ये जगत का ज्ञान वृत्ति एक जड़ ज्ञान वृत्ति है। ज्ञान वृत्ति जब चित उपलब्धि करने में समर्थ नहीं है, ज्ञान वृत्ति अगर ज्ञान वृत्ति चित उपलब्धि करने में समर्थ नहीं है तो फिर कौन वृत्ति यही शुद्ध चित विशेष का अनुभव करेगा। ब्रह्मा कह रहे हैं चित व्यापार वेदों का भी अगम्य है,
चित भूमिका में जाने से अनुभव होता है। वेद शब्द मूलक परा पश्यंती मध्यमा वैखुरी, हम लोग जो एक्सचेंज करता भाव, ये वैखुरी है, शब्दों का रूप में निकालता है। सो वेद साक्षात रूप में अप्रकृत गोलोक दिखाने में समर्थ नहीं है। वेद जब चित शक्ति भाव में विभावित तो होता है, वेद जब चित शक्ति भावित तो होता है, तब चित विषय में कियत थोड़ा बहुत बता सकता है, किंतु जीवों का अंदर में इतना क्षमता है, अगर जीव लादिनी शक्ति का कृपा लाभ करे अथा भक्ति लाभ करे, इसका बारे में बताया गया जो ये तो वेदों का समकी, लेकिन जीवों का अंदर में वही चित शक्ति का, वही चित शक्ति का लादिनी सार समवेतो संबित शक्ति का प्रभाव जो जीवों का अंदर में भक्ति का वृत्ति रूप में उदित होता है, ये भक्ति का सहारे, भक्ति का सहायता लेकर, भक्ति का बल पर गोलोक स्फूर्ति हो सकता है। भक्ति लादिनी शक्ति वृत्ति ये असीम है। भक्ति का जो लादिनी शक्ति का वृत्ति ये असीम है, एवं ये शुद्ध चिद ज्ञानमयी। भक्ति का लादिनी वृत्ति असीम है एवं ये शुद्ध चिद ज्ञानमयी, वही ज्ञान भक्ति का साथ एकात्म रूप में अर्थात अपना अलग सा परिचय नहीं देते हुए केवल भक्ति का परिचय में ही परिचित होकर गोलोक तत्व का आविष्कार कर सकता है। कहने का मतलब है, जब ज्ञान परिपक्व दशा में पहुंच जाता है, जब ज्ञान परिपक्व दशा में पहुंच जाता है तो ये ज्ञान भक्ति अलग नहीं, एक ही हो जाता है, लेकिन कच्चा ज्ञान जो है ये जरूर अलग है। अप्राकृत जगत का समय काल पात्रों का बारे में हम लोगों को समझना चाहिए, अनुभव करना बहुत कठिन है, क्योंकि जीवों का अंदर में हम लोग जितना जन्म जन्म चलते फिरते धीरे धीरे जिस अवस्था में आए हुए हैं, अभी हमारा जिंदगी में जितना सारे जड़ो एक्सपीरियंस है, जड़ जगत का अभिज्ञता, हमारा जगत में, हमारा इस जगत में जन्म जन्म लेने का बाद या तो पूर्व जन्म में ये जो एक्सपीरियंस हमारा जो अभिज्ञान होता संचित होता है, ये मेरे मेटेरियल ज्ञान है। किसी भी हालत से ये जड़ जगत का ज्ञान का बल पर अप्राकृत जगत का कुछ जाना नहीं जाएगा, संभव नहीं है। यहाँ का समय काल पात्रो, यहाँ का ज्ञान, यहाँ का मनोवृत्ति सारे मेटेरियल है। ये मेंटेलिटी, ये मनोभाव, ये विचार बुद्धि, ये इंद्रियां, इंद्रियोग्राम लेकर अप्राकृत जगत का विषय समझना बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। लेकिन अप्राकृत जगत का भाव एकमात्र तो गुरु वैष्णव की कृपा के द्वारा, भजन के द्वारा हो सकता है, नहीं तो हम लोग अंधेरे में रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कैसे संभव है। एक मिसाल दे दें, जैसे कि हमारा जगत में थ्री डायमेंशन है, हमारा जगत में कोई कुछ भी देखे समझे सोचे, ऑल अंडर दिस थ्री डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। किसी ऐसा भी ब्रह्मांड है जहां पांच डायमेंशन है,
चार डायमेंशन है, छह डायमेंशन है, दस डायमेंशन, हमको पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग जानता ही नहीं किस। तो हमारा जो अनुभव है, विचार है, सब जड़ जगत का आधार पर, इसलिए अप्रागृत जगत का समय काल पात्र समझना संभव नहीं है। इसीलिए हमारा अंदर में तर्क आ जाता, ऐसे कैसे संभव है। श्रीमती राधा रानी आई राधा कुंड में, वहां से फिर सुमन सरोवर कुसुम सरोवर गई, वहां फूल फूल उठाई, फिर आ गया इधर, ये कैसे संभव है, कैसे संभव। घर आ गया, घर आ गए, सूर्य पूजा का जितना सारे सामान तैयारी किया, भोग लगाने का, फिर चला गया राधा कुंड, वहां से सूर्य कुंड चला गया, सूर्य कुंड से फिर आ गया पूजा करने के बाद। राधा कुंड में बहुत सारे लीला, संतरण आदि, मधुपान, सूर्य पूजा खेला, ये सब हो गया सूर्य पूजा, उसका बाद फिर राधा कुंड का लीला, ये कैसा संभव है। क्योंकि हम लोग का विचार है नापने वाला, हम लोग का विचार जो है हर वक्त नापने वाला, हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे, ये नापने वाला विचार है, कैसे संभव है। ये नापने वाला जो विचार है माया का विचार है, तो माया का विचार अप्राकृत जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। तो नेचुरली हमारा अंदर में ये डाउट हो सकता है, कहाँ नंद बाबा का घर में भगवान सो गया रात को, फिर रात को फिर निकल के आए, फिर चला गया वृंदावन, वृंदावन में आके सेवा कुंड, निकुंज वन या निधु वन, बहुत सारे लीला के जमुना के किनारे रास किया, भरे कैसे संभव है। वहाँ से 80 किलोमीटर होगा कम से कम, 60 70 80 किलोमीटर का आसपास, सीधा जाओ तो थोड़ा कम, घूम के जाओ तो और ज़्यादा, 80 75 60 80 इतना किलो, कैसे संभव है। ये नापने वाला विचार है। अप्रागृत जगत में टाइम स्पेस मैटर ऑलवेज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन फेवर ऑफ कृष्ण सेवा। अप्रागृत जगत में कृष्ण सेवा का अनुकूल्य में समय काल पात्रो दक्षिणा देते हैं। इसमें यह भाव चलता नहीं कि कितना समय लगा, 5 घंटा कि 2 घंटा, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे रासलीला हुई एक ब्रह्मरात्रि, लेकिन गोपियों ने बताई ये एक पल भर में निकल गया, पल भर में निकल गया, ये कैसे संभव है। ब्रह्मरात्रो व्यापी ये सोचने का बाहर है, लेकिन एक पल भर में निकल गया। इसलिए श्री वृंदावन का अंतर जो ब्रजवासी भगवान का सेवा करते रहते हैं, ये लोग का समय का कोई ख्याल नहीं है, ये लोग नित्य वर्तमान में हैं। बाकी जोग माया का काम है कैसे क्या एडजस्ट कर दे, समय क्या करे, वो जाने जो घुमाया, बाकी किसी का ध्यान इसका ऊपर नहीं है। लेकिन मेटेरियल जगत में समय काल और पात्रों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन जड़ जगत में समय काल पात्रों एक दूसरे से रिलेटेड है जरूर। जैसे समय क्या है, व्हाट डू मीन बाय टाइम, ये क्वेश्चन आइंस्टाइन को किया गया था। आइंस्टाइन ने बताया सब टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, तमाम दुनिया घूमते रहता है, खूब गतिशील, टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट। अब मूवमेंट अगर है, कौन सी वस्तु, कौन सी वस्तु और कहां से कहां जाएगा, मूवमेंट, मूवमेंट का कंसेप्शन अगर है तो मूवमेंट का कंसेप्शन के साथ साथ एक कंसेप्शन भी होनी चाहिए, जे कौन सी वस्तु, कौन सी व्यक्ति कहां से कहां जाएगा।
तो समय काल और पात्र तीन इंटररिलेटेड वस्तु है, लेकिन अप्राकृत जगत में हिसाब किताब सब अलग है। ये जगत का कोई विचार वहां चलता नहीं। सो अभी तक ये चर्चा हो गया। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदो आदि पुरुषम गमयामि। पांथास्तु कोटि शतो वत्सरो संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम् सो अपि अस्ति यत् प्रपदो सेम्नि अविचिन्तो तत्ते गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। क्या बताया? पांथास्तु कोटि शतो वत्सरो संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम् सो अपि अस्ति यत् प्रपदो सेम्नि अविचिन्तो तत्ते गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। वही प्राकृत चिंतातीतो, वही प्राकृत चिंता का अतीत तत्व में, वही प्राकृत चिंतातीतो, प्राकृत चिंता का अतीत तत्व में गमन करने के लिए जो इच्छा प्रकाश करती करता है मन, ऋषियों ने प्राणायाम, जो लोग प्राणायाम करते हैं ये योगी, ये वायु नियमन पथ अथवा अतत निरसनकारी निर्वेदवादी, ये अतत वस्तु है, अतत है ये, अतत है तत वस्तु है, ऐसा करते करते जो भाग करते रहते हैं, इसका बारे में बताया। ये अतत अतत निरसनकारी निर्भेद ब्रह्मानुसंधानकारी मुनि श्रेष्ठ दिगेर ज्ञान चर्चा रूप पंथा, ज्ञान चर्चा का जो रास्ता है, ज्ञान चर्चा का जो रास्ता है, ये जो जो किया है ज्ञान चर्चा का जो ये जो रास्ता है, ये जो किया है, एक करोड़ों साल अगर बीत जाए, करोड़ों साल अगर बीत जाए ऐसा करते करते, फिर भी भगवान का चरण कमल का अग्रसीमा प्राप्त हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस चीज का बारे में हमारा रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, कृष्ण देव भवंतम वंदे, हरि देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, जद्यपि समाधिषु विदिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिन् इदमिच्छामि निशम्मतवाच्युतो तदपि कृपाद्भुतोऽभिचिम्। कृष्ण देव भवंतम वंदे, हरि देव भवंतम वंदे, यद्यपि समाधिषु विदुरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम्। भगवान का चरण कमल का ज्योति तक भी पहुंचना मुश्किल है। आई बात समझ में? पांथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम् सो ओपि अस्ति यत् प्रपदो सेम्नि अविचिन्तो तत्ते गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पांथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम् सो ओपि अस्ति यत् प्रपदो असिम्नि
अभिचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो यही बात है, यही प्राकृतो चिंतातीतो, प्राकृत जगत का जो चिंता है इसका अतीत वस्तु, ये प्राकृत चिंतातीतो वस्तु में तत्व में गमन करने के लिए प्राणायामशील योगी ये वायु नियमन पथ ये जो करते रहते हैं, और अतत निरसनकारी ये तद वस्तु है, ये अतत वस्तु ऐसा छांटते छांटते भगवान को भी छांट दिया। ये अतत निरसनकारी निर्भेद ब्रह्मानुसंधानकारी मुनि श्रेष्ठ दिगेर ज्ञान चर्चा का पंथा जो है सौ सौ करोड़ साल चलने से भगवान का चरण कमल का जो ज्योति है यहां तक पहुंच सकता है, नहीं भी सकता है। यद्यपि समाधिषु विदिर पिपाशति न तव न खगो मरीचिम इदमि छामिनि सम्मतवाच्युत तदपि कृपात् भूतोभिचिम। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, हरिदेव भवन्तं वन्दे। बड़ा आश्चर्य है। और प्रबोधानंद सरस्वती बात सुंदर लिखा है, प्रबोधानंद सरस्वती बात लिखा है गौर पार्षद, स्त्री पुत्रादि कथाम जुहूर विषयनो शस्त प्रवादम बुधा जोगिंदा बिजहुर नियम बिजहुर मरुन नियम जो क्लेशम तप है तपह तपसा ज्ञान अभ्यास विधिम जुहूर चैतन्य चंद्रे पराम आविष्कुर्वती भक्ति योग पदवीम नैवान्य आसित रसः। क्या बताया भैया, स्त्री पुत्रादि कथाम जुहूर विषयिन शास्त्र प्रवादम बुधा योगिंद्रा विजहुर मरुन नियमजम क्लेशम तपह तपसा तपसा और ज्ञान अभ्यास विधिम जुहुश्च चैतन्य चंद्रे परम आविष्कुर्वती भक्ति योग पदवीम नैवान्य आसीद रसा। इस बारे में अगले हफ्ता हम चर्चा करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु का परात्पर अखिलेश्वर का चरण में भक्ति मिल जाए तब तो सारे बेकार हो जाएगा, कुछ काम का नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु के चरण में जो आत्मसमर्पण किया है, चैतन्य महाप्रभु चरण कमल जो प्राप्त किया है, ये लोग क्या स्त्री पुत्र लेके व्यस्त है या तो शास्त्रों का तर्क लेके व्यस्त है, क्या तो योगी लोग सुबह में अरुणोदय में जो क्लेश करते ये भी करेगा क्या? तपस्याकारी साधुओं ने तपस्या करेगा क्या? और जो ज्ञान अभ्यासकारी योगी माया योगी मायावादी ये लोग क्या ये सब करते रहेगा क्या? नहीं करते रहेगा। जब चैतन्य चंद्र चरणे जब भक्ति मिल गया तो सारे कुछ हुए, सारे समाधान निकल गया। अगर चैतन्य चरण में भक्ति मिल गया तो सारे समस्या का समाधान। स्त्री पुत्रादि कथाम यहूर विषयिनः शस्त प्रवादम बुधा योगिंदा भी यहूर मरुन नियमजम क्लेशम तपह तपसा तपसा ज्ञान अभ्यास विधिम जहुश्च जतेश चैतन्य चंद्र पराम आविष्कुर्वती भक्ति योग पदवीम नैवान्य आसीद रसः। दूसरा कोई रस है नहीं। तो यहां विचार ये तात्पर्य ये है, शुद्ध भक्ति का सहारा लेने से, शुद्ध भक्ति का सहारा लेने से, शुद्ध भक्ति का आसादन करने से, शुद्ध भक्ति का सहारा लेने से
श्री गोविंद को चरणारविंद, श्री गोविंद जी का चरणारविंद लाभ होती है। अष्टांग योगीगण सैकड़ों साल जावत समाधि लगाकर कैवल्य लाभ करने का प्रयास प्रचेष्टा करता है। अद्वैतवादी मुनिगण तत्संग करोड़ों करोड़ों साल चित अचित विचार में बैठकर ये तौद है अतौद है ये अगर करते रहे, ये नहीं है एरो माइक वस्तु एक एक करके परित्यक करके अंतिम में निर्विशेष चिंता रूप मायाती तो निर्भेद ब्रह्म में लय प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल का अग्रभाग बहिर्देश में ये ब्रह्म ज्योति है, ये रहता है। कहाँ भगवान का चरण है, कहाँ भगवान का चरण का ज्योति है, हैं? इतना प्रयास प्रचेष्टा का बाद निर्भेद निर्भेद ब्रह्म लय प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्योति जो भगवान श्री कृष्ण चरण कमल का अग्रभाग का ज्योति है, नखार बिंदु से ये बहिर्भाग, ये बाहर में अवस्थित हो, गोलोक में नहीं है। चरण कमल दूर की बात है, मिलता ही नहीं। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं असली बात तो ये है जो कैवल्यो ब्रह्म लय दोनों बात है, एक एक कैवल्यो एक है ब्रह्म लय, माइक जगत और चित जगत का एक डिमार्केशन पार्ट, कैवल्यो और ब्रह्म लय ये माइक जगत और चित जगत का बीच का एक डिमार्केशन पार्ट, क्योंकि ये दो अवस्था अतिक्रमण नहीं करने से चित विशेष का वैचित्र मिलना संभव नहीं है। इसका नासा उतार जाने से आगे चलकर होता है। से सकल अवस्था केवल माइक संबंध जनित दुख का, अर्थात ये जो कैवल्य है ब्रह्मलय है, ये जो कैवल्य है ब्रह्मलय है, ये माइक माइक जगत का माइक माइक जगत का संबंध जनित दुख का अभाव, अर्थात दुख निवृत्ति है। तो दुख निवृत्ति का मतलब सुख नहीं है। अरे दुखो निवृत्ति का मतलब क्या सुख है क्या? दुखो निवृत्ति दुखो नहीं है, दुखो निवृत्ति का मतलब सुख नहीं है, दुखो निवृत्ति मतलब दुखो नहीं है। इसी को ही आप सोचो कि क्या आनंद है, तो आप ही जानो क्या क्या आनंद आपको मिला होगा, आप ही जानो। कोई बोल लो जो बुद्धिस्ट है, बुद्ध लोग बौद्ध ये लोग विरजा में मिल जाता है, और मायावादी लोग और थोड़ा आगे जाके ब्रह्म ज्योति में, जो ही हो सब भगवान का अप्राकृत धाम को स्पर्श नहीं कर सकता। दोनों का एक भी कोई बोल लो बा ब्रह्म लोय ये माइक जगत और चित जगत का बीच का एक डिमार्केशन पार्ट है, क्योंकि ये दो अवस्था अतिक्रमण नहीं करने से चित विशेष का वैचित्र नहीं मिलता है, अर्थात भगवान का रूप गुण लीला पर कुछ नहीं पता चलेगा। ये दोनों का अवस्था का अतिक्रम करके आगे बढ़ना है। तो ये जो कैवल्य और ब्रह्मलय ये माइक संबंध जनित दुख का अभाव है, अर्थात माया का संबंध में रहने से, अर्थात
जब तक अनर्थ रहे, माया का संबंध रहे, तब तक जो कष्ट मिलते रहता है, ये और कष्ट नहीं मिलेगा। तो कष्ट नहीं मिलेगा मतलब तो आनंद नहीं मिलेगा ना, कष्ट मिला नहीं ठीक है अच्छा, लेकिन कष्ट नहीं मिला इसका मतलब तो ये नहीं क्या आनंद है, ये क्या कौन सी विचार है। अगर कोई आदमी सोचे महाराज मायिक संबंध जनित तो दुखों का अभाव है तो ये तो सुख नहीं है, अत्यंतिक दुखों का निवृत्ति है। यदि अगर कोई ये जो कष्टों का अभाव, किसी तरीका का कोई कष्ट नहीं है, ये कष्टों का अभाव को ही सुख समझ ले, ये अगर ये जो कष्टों का अभाव को ही अगर सुख समझ ले, ये तो बुद्धिमानी का काम नहीं है ना। ठीक है चलो अगर कोई मान ले ठीक है दुख की अभाव है, ये दुख की अभाव मात्र सुख नहीं, लेकिन एक कष्टों का अभाव कोई किंचित सुख बोल के महसूस करे तो करे तो करे, अगर करे भी ये बहुत तुच्छ है, बहुत सामान्य है, बहुत तुच्छ है, नहीं का बराबर। अप्राकृत अवस्था अलग है, अप्राकृत जगत का जो रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट भगवान के साथ भक्तों का आनंदमय जगत, ये अलग है, इसका ठिकाना तक मिल नहीं सकता है लोगों। तावत ब्रह्म कथा मुक्ति पद भी तावत न तिक्ति भवे, तावत चाप विशृंखल महते न लोक भेद स्थिति, तावत मिथो कलकलह तावत शास्त्र विधाम मिथो कलह तावत शास्त्र विधाम मिथो कलकलह नाना बहिर्वत्मसु श्री चैतन्य प्रियजन जावत न दिग्गचर। ठीक है प्राकृत अवस्था का जो अनुभव, ये नाश करने से ही बस हो गया क्या, ये क्या है प्राकृत अवस्था, प्राकृत जगत का जो माया है, माया का प्रभाव का बाहर चलेगा। ठीक है प्रभुपाद कहते हैं ठीक है चलो माया पार कर लिया, प्रकृति का जो तीन गुण का प्रभाव का बाहर चला गया, लेकिन फिर भी क्या है उसका बाद आपका मकसद क्या है ये बताओ, ये बताओ माया जय करने का बाद मायावादी बन जाओगे, निर्विशेषवादी बन जाओगे, क्या फायदा है। तो माया जय करना ही सफिशिएंट नहीं है, माया जय करने का बाद माया का अधीश्वर अप्राकृत भगवान का चरण कमल में भक्ति प्राप्त करना, यही वास्तविक लाभ है। सो जीवों का अप्राकृत अवस्था स्थिति लाभ, जीवों का अप्राकृत अवस्था में स्थिति लाभ करना यही लाभ है, लेकिन ये केवल चित स्वरूपा भक्ति का कृपा से ही मिलता है। जीवों का अंदर में भक्ति का पॉसिबिलिटी है, भक्ति नहीं है। जीवों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर जो गठन है, इसमें भक्ति प्राप्त करने का पॉसिबिलिटी है, भक्ति नहीं है। इसलिए जीवों का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवों का स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्त, ऐसा नहीं होता है। जीवों का स्वरूप कृष्ण नित्य दास है। सो जीवों का अप्राकृत अवस्था में, जीवों का जब अप्राकृत अवस्था में स्थिति लाभ होता है,
इसको ही इसी को ही वास्तविक लाभ इसी को ही वास्तविक लाभ माना गया। लेकिन ये केवल मात्रोचित स्वरूपा भक्ति का कृपा लादिनी शक्ति का लादिनी शक्ति शब्द संविस्तार तो भक्ति देवी का कृपा के बिना ये मिलना संभव नहीं। भक्ति देवी के कृपा के बिना ये मिलना संभव नहीं। भक्ति के द्वारा भक्ति मिलता है, अर्थात भक्तों के भक्तों का पास भक्ति मिलता है। लेकिन निरोस चिंता मार्ग में अर्थात निर्विशेष चिंता मार्ग में कभी ये सब भक्ति रूप संपत्ति अनमोल संपत्ति ये मिलता नहीं, कभी मिलना संभव नहीं। ये तो ड्राई फिलोसॉफी है। मायावादी लोगों का हृदय पत्थरों का मापिक, मायावादी लोगों का हृदय पत्थरों का मापिक ड्राई हो जाता है। मायावादी लोगों का हृदय जो है पत्थरों का मापिक, पत्थरों का मापिक कठिन हो जाता है। भक्ति का कोई विषय इसमें है ही नहीं। तो याद करें ये दो चार श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी हम लोगों को प्राकृत और अप्राकृत विषय में क्या डिफरेंस है ये समझने की कोशिश कर। तो फिर सबसे पहले शुरू किया था 32 नंबर में अज्ञानी जस्सु सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मयो सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम अच्युतम अनादि मनंतरूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवजौवनञ्च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि पांथ्यास्तु कोटि शतो वत्सरो संप्रगम्य वयोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सो ओपि अस्ति यत् प्रपदो शिमनि अभिजिन्त तत्ते गोविंदमादि पुरुषं तमां भजामि। ऐसा ताले यहां तक थोड़ा बहुत चर्चा हो पाया। आगे का श्लोक में 35 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है एको उपि असौ रचयितुं जगदंड कोटिं जत्शक्तिरस्ति जगदंड चया जदनंतो अन्यांतरस्तो परमानु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषं तमाम। क्या बताया एको उपि असौ रचयितुं, एको उपि असौ रचयितुं जगदंड कोटिं जत शक्ति रस्ति जगदंड चया जदंतो जदंतो अन्यांतरस्तो परमानु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसका माने क्या है? हम लोगों को मालूम है शक्ति शक्ति मत्तोर अभेद वेदांतों में ये आता है। अतः शक्ति और शक्तिमान पुरुष कोई अलग चीज नहीं, एक ही है। शक्ति और शक्तिमान पुरुष कोई अलग तत्व नहीं है, एक ही है। एको अपि अशौ रचयितुं जगदंड कोटिं जत् शक्तिरस्ति जगदंड चया जदंतो जदंतो अन्यांतरस्तम अन्यांतरस्तो परमानु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषं तमाम। शक्ति और शक्तिमानों में भेद नहीं है, अभेद है। शक्ति शक्तिमानों में भेद नहीं है। जिसका बारे में हम लोग को पता है स्वरूप गोसाई लिखा है चैतन्य चैतन्य के पहले में पहले लिखा है ना
राधा गोविंद कैसे मिलकर गौर हरि और गौर हरि कैसे विभाजित होकर शक्ति शक्तिमान हो गया, ये सब प्रमाण है हमारे चैतन्य चैतन्यमृत में। चैतन्य चैतन्यमृत में ये सब सब प्रमाण है हमारा। सारा वेदांतों में भी प्रमाण बहुत सारे शास्त्रों में। सो एकोप्य अशु मतलब एक होने का बावजूद, शक्ति शक्तिमान एक होने का बावजूद, शक्ति और शक्तिमान का अभेद प्रयुक्त ये भगवान एक तत्व है। कोटि कोटि ब्रह्मांडो अनंत कोटि ब्रह्मांड रचना कर दिया, अनंत कोटि ब्रह्मांडो रचना कर दिया, समझ लो अनंत कोटि ब्रह्मांड रचना कर करने के कार्य में भगवान का शक्ति अपृथक रूप में विद्यमान है, विद्यमान है। अनंत कोटि जो ब्रह्मांड जड़ जड़ ब्रह्मांड सृष्टि कर दिया, ये भगवान का शक्ति, भगवान अभिन्न है, भगवान का माया शक्ति विरचित तो है। अनंत ब्रह्मांडो जो भी है सशक्ति शक्तिमानों का अभेद के कारण ये एक सत्व है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों रचना करने का शक्ति भगवान में अपृथक रूप में, अर्थात पृथक नहीं है, अपृथक रूप में विराजमान। समस्त ब्रह्मांडगण जिस भगवान का अंदर में विराजित है, कोई ऐसा भी चीज नहीं कि भगवान का बाहर है। समस्त ब्रह्मांडगण अनंत, समस्त ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड भगवान का अंदर में ही विराजमान है। एवं ये भगवान जुगपत साइमल्टेनियसली समस्त ब्रह्मांडो का अंदर में, समस्त अणुपरमाणु धूलिकण का अंदर में भी पूर्ण रूप में विराजमान है। फिर भी भगवान का एक अलग सा अस्तित्व है, भगवान का अलग सा एक विशेष है, ये भगवान का अचिंत शक्ति। ऐसा मापिक गोविंदो आदि पुरुष गोविंदो को मैं भजन करना चाहता हूं। एको अपि असौ रचयितुं जगदंड कोटिं जत्शक्तिरस्ति जगदंड चया जदन्तो अन्यांतरस्तो परमानु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सो ये अलौकिक है, भगवान अनंत ब्रह्मांडों सृष्टि करने का बाद अनंत ब्रह्मांडों का एक एक ब्रह्मांड में जो धूलिकण है, यहाँ में भी भगवान पूर्ण रूप में, समस्त परमाणु में भी भगवान पूर्ण रूप से विराजमान है। अन्यांतरस्तो परमाणु चयांतरस्तम, क्या अंडो मने ब्रह्मांडो, पहले बोला एको ओपि अशौ रचयितुं जगदंड कोटिन जत्शक्तिरस्ति जगदंड चया जदंतो और अन्यांतरस्तम, अन्यांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, अन्यांतर अन्यांतर अन्यांतरस्त अन्यांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम। हर ब्रह्मांडो के अंडो माने ब्रह्मांडो हर जगह जो अनुपरमाणु सब में भगवान पूर्ण रूप से विराजमान है। तात्पर्य ये है, तात्पर्य ये है माइक तत्व से विलक्षण भगवान का एक चित वस्तु श्रेष्ठो कृष्ण विराजमान है। माइक तत्व जब भी भगवान से अलग नहीं है फिर भी अलग है। माइक तत्व से विलक्षण और एक स्वभाव चित वस्तु श्रेष्ठो कृष्ण विराजमान है। ये भगवान अचिंत्य शक्ति के द्वारा
ये भगवान अचिंत्य शक्ति के द्वारा, ये भगवान अचिंत्य शक्ति के द्वारा स्वेच्छा क्रम में इच्छा करके अनंत ब्रह्मांड सृष्टि किया है। ये तमाम मेटेरियल जगत जो कुछ भी है सब शक्ति का परिणाम है। मायावादी मानता नहीं, शक्ति परिणाम बात मानता नहीं। ये लोग बोलता है ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ है, ये लोग वह विचार है ब्रह्म विकार प्राप्त हुआ। अरे कैसे कैसे सो सकता बोलो, ब्रह्म कहीं विकार प्राप्त हो सकता है? ऐसा लिखा है शास्त्रों में, जब ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम, जो ब्रह्म निष्कलम को इसका कोई कलंक स्पर्श नहीं उसको कैसे विकारी माना मानोगे? कैसे ब्रह्म विकार प्राप्त, ब्रह्म नहीं विकार प्राप्त हुआ, ये शक्ति परिणति। हमारा गौरी दर्शन में गौरी विचार में महाप्रभु जी ने दिखाया जगत तमाम जगत इन्फिनिटी ब्रह्मांड जगत समस्त इनके शक्ति का परिणाम है। फिर इनके शक्ति भी अलौकिक है भगवान का, क्यों? समस्त चित अचित जगत भगवान का अंदर में ही विराजमान है। और ये भगवान एक ही समय में समस्त जगत में, यहाँ तक कि समस्त जगत का प्रत्येक परमाणु में विराजमान होते हुए भी अपना एक विशेष श्याम सुंदर स्वरूप को नित्य काल से रखा है, विराजमान है, नित्य श्याम सुंदर रूप में भी विराजमान है। इसमें भगवान का कोई हानि नहीं पहुंचता। सर्वो व्यापित्व धर्म केवल कृष्ण का अंदर में प्रादेशिक ऐश्वर्य मत, किंतु सर्वव्यापी होने का बावजूद, किंतु सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी होने का बावजूद ये मध्यमकार मनुष्य रूप में सर्वत्व पूर्ण रूप में अवस्थान ये लोकातीत चिदैश्वर्य अलौकिक प्रभाव। गीता में भी भगवान बताया, अगले सप्ताह हम विचार करेंगे। ये विचार के द्वारा, ये विचार के द्वारा साइमल्टेनियसली, ये विचार के द्वारा साइमल्टेनियसली अचिंत भेदाभेद तत्व माना गया, अर्थात ये विचार और कुछ नहीं है, अचिंत भेदाभेद तत्व ही है। ये विचार और कुछ नहीं अनंत अचिंत भेदाभेद, ये विचार के द्वारा जुगपत अचिंत भेदाभेद तत्व ही स्वीकार किया गया। मायावादी लोग समस्त दूषित मत लेके उल्टा बोलता है। एको अपि असौ रचयितुं जगदंड कोटिम जच्छक्तिरस्ति जगदंड चया जदंतो अन्यांतरस्तो परमन चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ताले यहां तक बताया गया, इसके बाद बताए इसका बात बताया गया जद भाव भावितो धियो, क्या बताया? जद भाव भावितो धियो मनुजस्तथैव, यद भाव भावितो धियो मनुजस्तथैव संप्राप्य रूपो महिमासनभूष आसनजानभूषा। क्या बताया? यद भाव भावितो धियो मनुजस्तथैव सत् प्राप्पो रूपो महिमा आसनो यानभूषा सुक्तैर जमेव निगम प्रथ सुक्तैर जमेव निगम प्रतित्वै स्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। क्या बताया
बताया देखो जद भाव भावित धियो जिस भाव जिस जिस भाव लेके विभावित हो के भगवान को भजन करो यद जद भाव जद जद हमने बोला यहाँ लिखा है जद भाव विभावित धियो मनुजस तथैव संप्राप्य रूपो महिमा सनुजान भूषहा शुक्तैर जमेव निगमो प्रतित्वैः स्तुवन्ति। इसका मतलब क्या है जिनके जो भाव है जार भाव रूप भक्ति द्वारा भाव भक्ति द्वारा जिस भाव लेके भक्ति करता वो भाव भाव भक्ति जिनके भाव रूप भक्ति के द्वारा विभावित चित्तो मनुष्यगण भगवान का रूप महिमा आसन जान भूषण लाभ करने का बाद निगमोक्तो मंत्र सूक्तों के द्वारा भगवान को स्तुति करते रहते हैं वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन कर रहा हूं। जद भाव विभावित धियो मनुजस्तथैव संप्राप्य रूपो महिमा आसन जान भूषा शुक्तैर जमेव निगम प्रतित्वैः स्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसका माने के जिनके जो भाव है जिनका अंदर में भाव रूप भक्ति के द्वारा विभावित चित्तो मनुष्यगण भगवान का रूप महिमा आसन जान भूषण लाभ करके निगमोक्तो निगम में जो पुरुष सूक्त मंत्र है इसके आधार भगवान को स्तुत करते रहते हैं मैं वही आदि पुरुष को मैं भजन करता। जिनके भाव रूप भक्ति के द्वारा विभावित चित्त होकर मनुष्यगण भगवान का रूप लीला परिकर वैश्य आसन जान भूषण ये सब लाभ करके निगमोक्त पुरुष सूक्तों के द्वारा भगवान को स्तप करते रहते हैं वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करना चाहता हूं। सो जद भाव भावित धियो मनुजस्त थैवो संप्राप्य रूपम महिमा आसनो ना क्या बताया जद भाव भावित धियो जद भाव भावित धियो मनुजस्तथैव यत् प्राप्य रूपम महिमासनो यानुभूषा क्या बताया जद भाव भावित धियो मनुजस्तथैव संप्राप्य रूपम महिमा आसन भूषणाय भूषण यानुभूषा शुक्तैर जमेव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिनके जो भाव है ये भाव के द्वारा विभावित चित्त लेकर मनुष्यगण भगवान का रूप महिमा आसन जान भूषण सारे पता चलता है लोगों का और उसके बाद निगमो उक्तो जो पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा भगवान को स्तुत करके आराधना करते रहते यही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करना चाहता हूं यही इसका माने जिनके जो भाव रूप भक्ति के द्वारा विभावित चित्तो मनुष्यगण रूप महिमा आसन ज्ञान भूषण लाभ करके निगमोक्त पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा भगवान का स्तप करे यही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। तात्पर्य यह है रस विचार के अनुसार भक्ति भाव पांच प्रकार का होता है शांतो दास्यो सखो वात्सल्यो मधुर अतः सिंगार जो जो
भक्त जो जो व्यक्ति के अंदर में जो भाव है उसी उसी भाव में आरूढ़ो भक्तोगण, जिन भक्तों के अंदर में जो भाव है, जिसका संत है संतो, जिसका दास्य है दास्य, जिसका शक्ष्य शक्ष्य, जिसका वात्सल्य वात्सल्य, जिसका मधुर है सिंगर है, अलग है, सही सही उसी उसी भाव आरूढ़ो भाव में समासीन भक्तोगण तदुचित कृष्ण स्वरूप का अपना 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 जो भाव है, भाव का मैचिंग जो कृष्ण का स्वरूप है, तदुचित कृष्ण स्वरूप का नियतो कंटिन्यूअसली सेवा करके अल्टीमेटली चरम में तदुचित प्राप्तोस्ता, इनके लिए जो स्वाभाविक है जहाँ पहुँचना है वहाँ गद्दारी नहीं चलेगी, वहाँ बेईमानी नहीं चलेगी। वो जिसका जो भाव है जैसे है, तदुचित कृष्ण स्वरूप का नियत सेवा करके सेवा करते हुए अल्टीमेटली तदुचित प्राप्त स्थान लाभ करे, अर्थात जिसका अंदर में जो भाव है उसी का मैचिंग जो है जो सिद्ध हुआ है वो मिलेगा, हर कोई नहीं मिलेगा, हर कोई को नहीं मिलेगा। इसी रसानुरूप चित्त स्वरूप, इसी रसानुरूप चित्त स्वरूप तदुचित महिमा, तदुचित सेवापीठ रूप आसन, तदुचित गमनागमन रूप जान, सीओ रूप समृद्धिकारी चिन्मय गुण भूषण सकल लाभ करने में समर्थ हो जाता है। जो लोग शांतोरस में अधिकारी, शांतोरस में इनके लिए शांतोरस का पीठ ब्रह्म परमात्मा धाम, जिनके दसोरस का अधिकारी ये ऐश्वर्य का तो वैकुंठ धाम, जो लोग शुद्ध सख्य वात्सल्य मधुर रस में अधिकारी है, जिनका जो है जिनका अंदर में जो है, ये लोग वैकुंठ परिस्थित गोलोक धाम लाभ करने में समर्थ होता है। उसी स्थान सीओ रसोचित समस्त उपकरण ओ सामग्री प्राप्त होकर वेदोद्दिष्ट सूक्तानुसारे स्तप करने में समर्थ है, करते रहते हैं। वेद कभी कभी किसी किसी जगह चित्त शक्ति अवलंबन पूर्वक भगवान लीला का इंडिकेशन देता है, लेकिन ये वेद गोलोक वृंदावन प्रापक नहीं है, प्रापक कारण नाम संकीर्तन ही है, ये ब्रह्म संगीता में कन्फर्म किया गया, ये इंडिकेशन दे सकता है और कुछ नहीं। वेदस्य सर्वैरहमवेद, सो वेद कभी कभी किसी किसी जगह चित्त शक्ति का अवलंबन लेकर भगवान लीला का कथा इंडिकेशन दिया है, इसीलिए उसी लक्षण के अनुसार मुक्तो भक्त्यादि कीर्तनादि करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए बताया यद भाव भावित धियो मनुजास तथैव संप्राप्पो रूपो महिमा आसनजानभूषा। क्या बताया, बहुत क्लियर। यद भाव विभावित धियो मनुजास तथैव संप्राप्पो रूपो महिमा आसनजानभूषा सुक्तैर्जमेव निगम प्रतीत स्तुवंती गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामी। इसका मतलब क्या है, जिसका जो रस है उसी का मुताबिक वो करते रहे सेवा, और उसी का मुताबिक इसको स्थान मिलेगी अप्राकृत जगन में स्थान। यद भाव भावित धियो मनुजास तथैव संप्राप्पो रूप महिमा आसनजान भूषा
सुक्तैर जमेव निगम प्रथितै स्तुवन्ति। पुरुष सुक्त मंत्र है, पुरुष सुक्त मंत्र है। ये पुरुष सुक्त मंत्र के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का विधान दिया गया। वेद कभी कभी किसी किसी जगह चित शक्ति अवलंबन पूर्वक भगवान लीला का इंडिकेशन दिया, कथा बोला। उसी उसी लक्षण मुक्तो भक्त दिगिर इसी इसी लक्षण माने सिंटम ही मुक्त भक्त दिगिर कीर्तनादि होने में समर्थ है। इसके बाद ये जो हमने बताया पहले से लेकर इंद्रियाणी यश सकल इंद्रिय इससे सारे चलकर प्राकृत और अप्राकृत भाव का क्या विशेष है, अप्राकृत भाव का क्या विशेष है। ब्रह्मा जी ये बड़ा चेष्टा की प्राकृत और अप्राकृत विषय में जो डिमार्केशन भाग है ये ज्यादातर आदमी यही समझता नहीं, ज्यादातर आदमी यही समझता नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं क्या है। आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थावीर एव निज रूप तया कला भी गोलक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थावीर एव निज रूप तया कला भी गोलक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। आनंद चिन्मय रसो कर्तिक आनंद चिन्मय रसो के द्वारा प्रतिभाविता गोलोक वृंदावन में हर कोई के अंदर कुछ न कुछ रस तो है ही है। आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभाविता होकर शियोचित रूप का अनुरूपा चतुष्षष्टि कला जो लादिनी शक्ति रूपा राधा ओ तत्कायबुहो सखी वर्ग के साथ यो अखिल आत्मभूत गोविंदो नित्य स्वयं गोलोक धाम में विराजमान है, सेवा लेने में व्यस्त है, सेवा ग्रहण करने में व्यस्त है, वही आदि पुरुष को मैं भजन करना चाहता हूं। क्या बताया, आनंद चिन्मय रसो प्रतिभाविता भी स्थावीर्य एव निज रूप तया कला भी गोलक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो तात्पर्य क्या है, यही है शक्ति एवं शक्तिमान एकात्म होकर भी लादिनी शक्ति कार्तिक राधा एवं कृष्ण रूप में पृथक पृथक होकर नित्य अवस्थान करते हैं और विराजमान है, वही आनंद लादिनी अचित कृष्ण दोनों ही अचित सिंगर रस में वर्तमान है हर वक्त। उसी रस का विभाव दो किस्म का होता है। उसी रस का विभाव दो किस्म, एक है आलम्बन एक है उद्दीपन। इन दोनों का बीच में आलम्बन दो किस्म का आश्रय और विषय। आश्रय श्रीमती राधा रानी प्रीडोमिनेटेड एब्सोल्यूट और तत्कायब्य सह एवं विषय स्वयं ही कृष्ण हैं। सो यही कृष्ण गोलोकपति गोविंद हैं। सो जो भक्तों जिस रस में विभावित होकर उनकी सेवा करे वो
वो ये ठीक है। इसी ये जो रस अलग अलग है, इसी रस का प्रति विभावितो आश्रय विग्रह सब गोपीगण है राधारानी का अनुगत्य में। एलो का साथ गोलोक में कृष्ण नित्य लीलापरायण है, नित्य विराजमान। और निज रूपोत्तया, इसका माने क्या? निज रूपोत्तया माने क्या? अर्थात लादिनी शक्ति वृत्ति प्रकटितो रूपिणी कला कला सकल का साथ, ये चतुष्षष्टी जो कला है, लादिनी लादिनी शक्ति वृत्ति निजरूपोत्तया कला भी जो बोला है, निजरूपोत्तया अर्थात लादिनी शक्ति वृत्ति, लादिनी शक्ति वृत्ति अर्थात लादिनी शक्ति वृत्ति एक तरुणी कला सकले सहित चतुष्षष्टी कला नित्य गीत वाद्य नाट्य आलेख्य सब चतुष्षष्टी पूरा चौसठ किस्म का कला, चौसठ विद्या जो भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी मुनि का पास चौसठ दिन में चौसठ कला आयत किया, सारे चौसठ एक एक दिन में एक गुरुकुल में जब कृष्ण बलराम गए थे चौसठ दिन में चौसठ कला। चौसठ दिन में चौसठ कला आयत किया और क्या। सब भगवान का सेवा के लिए ही गोपीगणों का ये जो सेवा का ये जो अलग अलग सा चौसठ किस्म का कला है, ये तमाम सखी मंजूरी ने इस ये कला को प्रदर्शन करता है भगवान का सामने अतः सेवा करते हैं। सो इसी रस का प्रति विभावित होकर गोपीगणों और इनके साथ गोलोक में कृष्ण नित्य लीला पारायण होते, निज रूपोत्तया अर्थात लादिनी शक्ति विशिष्ट प्रकटी तरुणी कला सकल का साथ, ये चतुष्षष्टी कला के बारे में बताया। ये तमाम जो चौसठ किस्म का कला मूर्तिमान, ये कोई कला मूर्तिमान, यस कला मूर्तिमान, चौसठ किस्म का कला समस्त विद्या चौसठी मूर्ति होकर रस प्रकरण रूप गोलोक धाम में नित्य प्रकट, नित्य प्रकट और जड़ जगत में चित्त शक्ति जुगमाया के द्वारा ब्रज लीला का प्रशस्त रूप में प्रकटित हुआ है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया सदानंतोई प्रकाशोई स्तोईर लीलाभिश्चो स दिव्यती तत्रैकेन प्रकाशेन कदाचित जगदंतरे सहैव सपरिवारैर जन्मादि कुरुते हरि। माने मतलब ये है गोलोक गोलोक में हर वक्त सीय अनंत लीला प्रकाश का साथ, गोलोक में हर वक्त सियो अनंत लीला प्रकाश का साथ कृष्ण शोभा देते, अर्थात गोलोक में सर्वदा सियो अनंत लीला लीला प्रकाश प्रकाश का साथ कृष्ण स्वयं शोभित होते हुए नजर आते हैं। कभी कभी जगत का अंदर में भी वही एक एक लीला का प्राकट्य होता है। लीला साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, साइकिल का चेन
रुकने का कोई बात नहीं। श्री हरि सपरिवार में जन्मादि लीला प्रकट करते रहते हैं, अवर अंतोधन करते हैं भगवान। कदापि ये जगत का अंदर में भी वो लीला प्रकट होता है कभी कभी। श्री हरि सपरिवार में जन्मादि प्रकट किया है, जसोदमा पहले आई, नंदोबा पहले आई, उपानंदो अधिनंदो वो सब बाद में आए। श्री कभी 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 जगत का अंदर में भी भगवान ये लीला प्रकट करते हैं, लीला रचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए। श्री हरि सपरिवार में श्रीहरि सपरिवार में जन्म लीलादि प्रकट करते रहते हैं। कृष्ण सेवानुसारे लीला शक्ति तदियो परिकर गणों को उसी उसी भाव में विभावित तो कर देता है, ताकि सेवा का इंस्पिरेशन मिलते रहे। ये जो सब लीला प्रपंच में प्रकटित होता है, जो सब लीला ये प्रपंच में प्रकटित होता है, ये प्रकट लीला है। आवार एक कृष्ण लीला समस्त लीला है प्रपंच में अगोचर होके अप्रकट रूप में गोलोक में नित्य विराजमान है। इस विषय में तमाम सिद्धांतों अगले सप्ताह विचार करने का इच्छा रखते हुए आज यहाँ ही चर्चा का विश्राम दे। सारे अप्राकृत है, प्राकृत कुछ नहीं है, समझने का बाहर है, आदमी समझता नहीं, उनको समझने का बाहर है। तो फिर अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारोधि तीव्रेण भक्ति योगेनो जजेत पुरुषम परम। भक्ति के अलावा भगवान को जानना, भगवान का भक्ति प्राप्त करना संभव बिल्कुल नहीं है। अकाम हो व सर्व काम हो, कुछ भी हो, मोक्ष काम हो, लेकिन उदारधि होने से तीव्रेण भक्ति योगेनो जजेत पुरुषम परम। वांछा कल्पतरुष्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।